हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और आज मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन का लेक्चर लेके आया हूं। इसमें हम पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का है आपका और पार्ट वन है, ठीक है। पार्ट वन का मतलब है कि इसके अंदर हम इनडेप्थ क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक थ्योरी को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अनअकैडमी पर मैंने आप लोगों के लिए पूरी थ्योरी को बना रखा है। आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर मेरे नाम से जब सर्च करोगे कृष्ण कुमार चारक से तो आपको सारी क्या मिल जाएगा, पूरी जो भी मेरे लेक्चर द्वारा बनाए हुए हैं फ्री में आप लोगों को सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हो, जहाँ मैं आप लोगों को डेली तैयारी करा रहा हूँ जेईई मेंस की और नीट की, ठीक। तो देखो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, टेस्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक बार लिंक देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज मालूम चल जाएगी। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। आप लोगों को मास परसेंट निकालना है बेंजीन का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है। मास बेंजीन कितना गिवन है आपको, 22 ग्राम गिवन है। इसमें डिवाइड करेगा 22 ग्राम टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले मास परसेंटेज निकालने के लिए किसका निकालना है आपको, निकालना है बेंजीन का। ऊपर लिखोगे बेंजीन का, नीचे आएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर लिख लिया हमने मास ऑफ बेंजीन और नीचे आ गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, बेंजीन का मास प्लस CCl4 का मास। तो देखो C6H6 बेंजीन का मास कितना, 22, और आपका टोटल मास कितना हो गया, 22 प्लस 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपके पास आंसर आ गया 15.28%। इस तरह से दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, आंसर निकाल सकते हो। अब आपको इसका भी निकालना है मास परसेंटेज निकालना है आपको CCl4 का। एक मेथड तो यह है आपके पास, सीधा सीधा 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास किसका आ जाएगा, सीधा सीधा मास परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन सेकंड मेथड क्या है, आप ऐसा कीजिए कि ऊपर मास तो CCl4 लिखिए, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो CCl4 का मास कितना है, 122, और नीचे टोटल लिख दिया, इनटू 100 करोगे तो ये आ गया आपके पास इतने परसेंटेज। 100 में से इसको माइनस किए करोगे आप तब भी आपके पास कितना आएगा, इतना ही परसेंटेज आएगा। तो किसी भी मेथड से कर लो, आपके पास आंसर वही आना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो क्या है आपके पास, अगले क्वेश्चन बात कर रहे हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपको बेंजीन की मोल फ्रैक्शन निकालनी किसी सॉल्यूशन में जिसमें 30% मास है ना इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो आपका CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो कितना है आपका, 30% वाई मास है। कितना है, 30% वाई मास। तो आप लोगों को अब निकालना है। अब देखो कितना टोटल सॉल्यूशन का मान लेते हैं, वेट मान लेते हैं, जो मास मान लिया आपने 100 ग्राम, उसमें बेंजीन कितना है आपका, बेंजीन रखा 38%, तो बेंजीन 30 ग्राम मान लिया था। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना बचेगा, 70 ग्राम बचेगा। 70 ग्राम आगे आप किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी, बेंजीन। तो मोल्स ऑफ बेंजीन आएंगे ऊपर, डिवाइड बाय क्या आएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको करना है। तो देखिए यही करते हैं और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ से देख सकते हो आप, जो आपके बेंजीन के मोल्स निकालोगे तो बेंजीन का मास कितना था आपका, बेंजीन का मास 30 ग्राम था, 30 डिवाइड मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, 78। 78 से डिवाइड कर दिए, कैसे निकाला 78 कितना आया, 12 × 6 करोगे प्लस 6 × 2 बल्कि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल कितना आएगा आपका, 78 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके बेंजीन के इतने। अगर वही कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 12 × 1 कार्बन के लिए और 4 × 35.5 है ना, ये होगा आपके लिए इसके लिए क्लोरीन के लिए। टोटल मास आएगा टोटल करके 154, तो इसके टोटल मोल्स कितना आएंगे, 78 × 154। टोटल नंबर मोल्स निकालने बेंजीन डिवाइड बाय बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड कर दोगे तो क्या करोगे, 0.3846 डिवाइड बाय 0.3846 प्लस 0.45, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0.458। एक इसका है बेंजीन की मोल आ गई, ठीक है, बेंजीन की मोल फ्रैक्शन आ गई, तो इसको 1 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास किसकी आ जाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा वो भी आप लोगों के पास निकल के आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में निकालना है मोलरिटी इस सॉल्यूशन की, ठीक, इस सॉल्यूशन की आप लोगों को मोलरिटी निकालनी है। पहले जो क्वेश्चन है उसमें निकालना है 30 ग्राम आपके पास CONO3 6H2O ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इतने ग्राम आपको क्या करना, सॉल्यूट आपने किसमें डिवेल किया है, 4.3 लीटर सॉल्यूशन में। तो देखो यहाँ से क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ से आएंगे आपके, यहाँ से आएंगे, और सॉल्यूशन वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर यहाँ से आएगा। तो इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट करोगे तो देखो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोल्स निकालने, मोलर मास कितना है आपके पास, कोबाल्ट का 59 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NO3 को जो सॉल्व करोगे तो ये आ गया नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 3 × 16 डॉट 6H2 है तो 6 × पानी का भी 18 ऐड कर देंगे। टोटल मोल आया आपके पास, मोल के पास कितना है, 291 ग्राम मोल आ गया, पर मोल आ गया आपका टोटल मोलर मास। तो मोल्स कितने आएंगे इसके, 30/291। तो देखो ये टोटल मोल्स कितने निकल के आए आपके, मोल निकल गया है 0.103 मोल। तो यहाँ से दोस्तों क्या किया आपने, आपको मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है आपकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर कितने, 4.3 गिवन है, ये सॉल्यूट था आपके पास, तो इस सॉल्यूट का मोल कितने होगा, 0.103। तो उसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 0.023 मोल आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको, अगले क्वेश्चन में निकालना था, देखो दोस्तों आपको 1000 जो मिलीलीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें कितने मोल आपके प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है आपको 0.5 मोल, ठीक। आपको कितने में निकालना है, 30 मिलीलीटर में, तो
तो 30 मिलीटर 0.5 मोल H2SO4 में कितने हो जाएंगे आपके पास, 0.5 इंटू 30 इंटू 1000, तो इतने टोटल मोल्स कितने हो गए आपके पास, 0.05 मोल्स हो गए। आपको क्या निकालना था, मोलरिटी निकालनी थी। ऊपर क्या है लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना हो गया 0.5, इसको से डिवाइड किया तो मोलरिटी कितनी आ गई, 0.03 मोलर आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको मास ऑफ यूरिया निकालना है कितने ग्राम ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले मोलर मास निकाल लिया, मोलर मास निकालोगे इसका तो कैसा आएगा आपका, 2 × 1 × 14 नाइट्रोजन के लिए, 2 × 1 हाइड्रोजन के लिए, 1 × 12 कार्बन के लिए, 16 × 1 ऑक्सीजन के लिए, ठीक। और ये टोटल दो, तो जब आप लोग ऐड करोगे इसमें तो कितना आ गया आप लोगों के पास, निकल के आ गया 60 ग्राम पर मोल, ठीक। तो ये आप लोगों के पास दोस्तों इतना निकल के आ जाएगा। अब देखो आगे आप लोगों को क्या करना है, तो आगे दोस्तों क्या करोगे इस केस में, यहाँ पर आगे आप लोग देख सकते हो कि 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की मिलता है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको आपका 1000 ग्राम है, मोलर का मतलब मोलरिटी गिवन है ना, 1000 ग्राम वाटर कंटेंट में इतने मोल्स है, ठीक है। तो आपको कितने में निकालना है, 60 ग्राम में निकालना है, ठीक। तो 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल में कितने हो जाएंगे आपका, इतने हो जाएंगे, ठीक। अब देखो आप लोगों को क्या निकालना है, टोटल मास निकालना है यूरिया का, तो टोटल जो सॉल्यूशन हो जाएगा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम तो पहले से था ही आपके पास मास, और अब 15 ग्राम और आपके पास और आके ऐड हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, मास हो गया टोटल 1050, ठीक है, इतना मास हो गया टोटल। अब इतना टोटल मास हो गया, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कितना था आपके पास वो भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो बात किसकी कर रहे हैं, आप लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं कि कितना यूरिया आपको चाहिएगा, है ना। तो कितना यूरिया आप लोगों को चाहिए होगा, उसके लिए देखो इतने ग्राम सॉल्यूशन के लिए, इतने ग्राम सॉल्यूशन के आपको कितने ग्राम यूरिया चाहिए, 15 ग्राम यूरिया चाहिए। आपको कितने के लिए मांग बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं 2.5 केजी ग्राम सॉल्यूशन के लिए कितना यूरिया चाहिए होगा, है ना। तो देखो इतने के लिए जब 1015 के लिए आपको चाहिए 15 ग्राम, ठीक, तो 1 के लिए कितना चाहिए, 1 के लिए चाहिए होगा आपको 1015, तो आपको अब बात कर रहे हैं वो 2500 ग्राम के लिए ना, 2500 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 15 / 1050 × 2500, इस तरह से निकालोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको कितना आया आंसर, 36.95 मतलब 37 ग्राम यूरिया चाहिए, ठीक। यहाँ पे क्या किया दोस्तों, आप लोग सीधे सीधे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ से निकाल लिया कि 1 किलोग्राम यूरिया के लिए कितना चाहिए, वो चीज निकाल ली, और 1 किलोग्राम यूरिया में भी आपका इतना मोलर है, तो जो इतने मोल इतना ग्राम हो गया आपका, इतने ग्राम पूरे यूरिया में, या इतने ग्राम जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसमें कितना यूरिया है, इतना ग्राम यूरिया है, ठीक। तो अब 1 ग्राम सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन है उसमें कितना यूरिया होगा, इतना यूरिया होगा, आपको मोलर इतना गिवन है, इसका मतलब यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से मास निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ से ये रहा ना 2.5 केजी, तो यहाँ से जब निकालोगे तो क्या किया, 2500 में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहीं से आप सॉल्व किए, देखो यहीं से इसमें वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, 36.95 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या बोला यार, आपको मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, इफ द किसकी निकालनी है, सब कुछ के आई पोटेशियम आयोडाइड की निकालनी है। अगर डेंसिटी कितनी गिवन है, 20% मास ऑफ एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर मोल, ठीक है, डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, 1.202 ग्राम पर मोल। चलिए देखते हैं इसको, अब देखो दोस्तों आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में, गिवन था 20% मास परसेंट, इसका मतलब क्या है, जो आपके पास 20% की आई है, ठीक है, तो उसका मतलब है 20 ग्राम जो की आई है वो किसमें प्रेजेंट है आपका, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब देखो 20 ग्राम की आई आपका, अगर वाटर की बात करें तो कितने वाटर में प्रेजेंट है, 100 − 20 कर दोगे, ठीक है, तो ये कितने में प्रेजेंट है आपका, 80 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ की आई डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इन केजी, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल्स ऑफ की आई कैसे कितने हुए आपके, 20 ग्राम टोटल था, आपको डेंसिटी गिवन थी, डेंसिटी से क्या निकालोगे, आप वॉल्यूम निकालोगे, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास मास वाई डेंसिटी करके, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या निकाल लिया है आप लोगों ने, वॉल्यूम निकाल लिया है, आप लोग देख भी सकते हो, तो वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई, मास है आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन का, डेंसिटी 3 गिवन है, तो ये आ गया आपके पास इतने मिलीलीटर के आ गया वॉल्यूम, इसको लीटर में चेंज किए तो 83.19 × 10⁻³ लीटर हो गया। अब मोलरिटी निकालनी है तो क्या आएगा, ऊपर मोल्स ऑफ सॉलिड, नीचे आएगा मास ऑफ सॉलिड, या वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया, मोल्स कैसे निकाले, 20/166 हो गए, तो KI का मोलर मास कितना है, 166 है, यहाँ से इसको सॉल्व किए तो आंसर क्या आ गया, आपके पास 1.45 मोलर आ गया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, KI के मोल्स तो इतने, पानी के मोल्स इतने हैं, KI डिवाइड बाई मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ वाटर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट मोल आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी जिसकी भी निकाल। तो यहाँ से दोस्तों जब चेक किए तो जब KI के लिए KI की मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो ऊपर KI के मोल लिखे 0.12, यहाँ से देख सकते हो
और वाटर के लिए लिखोगे 0.4, ये 4.44 प्लस 0.20, टोटल को ऐड किए मोल फ्रैक्शन कितनी आएगा आपके पास, टोटल निकल के आएगी 0.10263। वाटर के निकालोगे तो क्या कर दोगे, इसको इसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो आपके पास किसी आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगी। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला यार आपके पास, H2S एक टॉक्सिक गैस है जिसकी स्मेल कैसी रोटने का स्मेल है, इसको क्वालिटी एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 0.195, ठीक है सॉल्युबिलिटी है इसकी मोलर, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, डाउ हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। अब देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है इजी समझिए, तो देखिए कैसे कैसे करेंगे इसमें अप्लाई, अब देखते हैं यहां से। अब देखो दोस्तों कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोगों को पता है सॉल्युबिलिटी H2S की गिवन है, ठीक कितने पे इतनी मोलर गिवन है, अब इतनी मोलर गिवन का मतलब है कि इतनी आपको कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट यूज हो रही है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट यूज हो रही है तो मोल्स ऑफ वाटर यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपके पास, 1000/18 करेंगे मतलब 55.56 मोलर हो गया। ठीक है इतने मोल आपके किसके आगे सॉल्वेंट के आगे, मोल फ्रैक्शन निकालिए सॉल्वेंट की, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर, H2S की मोल कितनी है 0.195 गिवन है क्वेश्चन में आपको, ठीक है और ये यहां पर क्या कर दिया टोटल मोल्स लिख दिए, तो मोल फ्रैक्शन आ गया H2S का इतना। हेनरी लॉ क्या बोलता है, प्रेशर इक्वल टू KH इनटू X, प्रेशर क्या मानना है आपको STP में मानना है, कितना मानोगे 0.987 बार, तो जो KH की वैल्यू क्या आएगी वो P डिवाइड बाय X, P की वैल्यू क्या है 0.987, क्या कर दोगे 0.987, मोल फ्रैक्शन कितनी है आपके पास 0.0035, यहां से वैल्यू निकालोगे वो जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों किसकी आएगी KH की वैल्यू आएगी, तो यहां से चेक कर सकते हो क्या आंसर आपके पास 282 बार आंसर निकल के आ गया KH की वैल्यू। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है CO2 के लिए पानी में कितना गिवन है, इतना गिवन है इतने टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर आपको क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी है 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में, तो उसको पैक करते हैं अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर है 298 केल्विन। ठीक है जब हम उसको पैक करते हैं तो आपको क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी है, अब देखिए आप लोगों को KH की वैल्यू सीधी सीधी गिवन नहीं है, और यहां से प्रेशर कितना गिवन है आपको CO2 का, प्रेशर यहां से आप लोग देख सकते हो प्रेशर CO2 का गिवन है आपको 2.5 ATM। ठीक है ये रहा 2.5 ATM, किसमें चेंज करोगे पास्कल में, चेंज करने के लिए क्या करोगे 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 पास्कल होता है इससे मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब इतना हो गया आपके पास। अब देखो आपको अप्लाई करना है हेनरी लॉ को अप्लाई करना है, तो चलिए हेनरी लॉ को अप्लाई करते हैं। अब देखो जब यहाँ हेनरी लॉ को अप्लाई करोगे आप, तो हेनरी लॉ को अप्लाई करते टाइम क्या करना है, देखो सबसे पहले जब CO2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है तो प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH इनटू X हो जाएगा, X की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ से क्या जाएगा CO2 आ जाएगा, तो प्रेशर ऑफ CO2 आप लोग अभी निकाल चुके हैं यहाँ पे, और जो आपका जो प्रेशर गिवन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.672×10^8। ठीक है तो यहाँ से आप लोगों क्या आ गया, KH की वैल्यू गिवन है, ठीक है दोस्तों KH की वैल्यू, और ये क्या हो गया प्रेशर ऑफ CO2 हो गया जो भी निकाला था, तो ये आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन किसकी CO2, तो मोल फ्रैक्शन CO2 का मतलब क्या होता है मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय CO2 प्लस पानी के मोल्स आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या मानोगे आप, यानी कि यहाँ पर हम इसको मोल्स ऑफ H2O को बहुत ज्यादा ज्यादा मान लेंगे एज कम्पेयर टू मोल्स ऑफ CO2। ठीक है ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, जब ये ज्यादा लगा दोगे तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे CO2 वाले मोल्स को, तो देखो वही चीज की है। ठीक है तो ये चीज क्या करोगे यहाँ पर, वही चीज किया है, तो देखो ये वाला जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा था ये इसको नेग्लेक्ट कर दिया इसके कंपेरेबल पानी के रिस्पेक्ट में, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है आपको CO2 को नेग्लेजिबल कर दिया एज कम्पेयर टू पानी, अब 500 मिलीलीटर सोडा वाटर गिवन था तो उसमें वॉल्यूम वाटर कितना हो गया आपका 500 मिलीलीटर हो गया, तो आप बोल सकते हो 500 मिलीलीटर वाटर में कितना कितना वेट हो गया उसका 500 ग्राम वाटर, मतलब मोल्स कितने हो गए पानी के 27.78, तो मोल फ्रैक्शन आसानी से आप निकाल सकते हो, तो दोनों चीजों के आपको क्या पता है मोल्स पता है, जब दोनों चीजों के मोल्स पता है दोस्तों तो देखो सीधा सीधा लगाया ओके नेग्लिजिबल करने के बाद उसको ये मन आपको एक्स की वैल्यू आप लोग निकाल चुके थे P=KH×X से। ठीक है यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल चुके थे इतनी आई थी CO2 के निकालने हैं और आपको किसके निकाल लिया आपने पानी के निकाल रखे इतने, यहाँ से CO2 के मोल्स कितने आ गए इतने आ गए। आप क्वांटिटी की बात करनी थी, क्वांटिटी की बात करोगे तो 0.042 मोल आए, 0.042 मोल CO2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसके मोलर मास का तो आपको इतनी क्वांटिटी ऑफ CO2 आ जाएगी। ठीक है निकल के 1.848 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको वेपर प्रेशर किसका निकालना, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड एयर बी का आप लोगों गिवन है 450-700 मर करिए। ठीक है कितने टेम्परेचर पर 350 पर आपको फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर निकालना है इन द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 मर करिए, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस, और आपको वेपर फेस में भी कंपोजिशन निकालना है। अब देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो आप लोगों क्या गिवन था वेपर प्रेशर कहां गिवन है वेपर फेस में P0A P0B भी गिवन है, प्रेशर टोटल कितना है आपका 600 मर्करी गिवन है। ठीक है अब देखो PA का मतलब क्या होता है P0A × X है, P0A क्या होता है आपका जो वेपर फेस में जो होता है, ठीक है प्रेशर X है क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और PB क्या है P0B वेपर प्रेशर में जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इनटू X, B क्या है जो मोल फ्रैक्शन है उसके इसमें। अब देखो यहां से P टोटल कैसे निकाला आपने PA प्लस PB हो जाएगा, तो इसको आप लोग XB क्या लिख सकते हो XA प्लस XB क्या होता है आपका
वन होता है, तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वन माइनस एक्स ए भी हो जाएगी। इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दिए, जब इसको सॉल्व किए पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए लिख दिए है ना। तो देखो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट बी इंटू एक्स ए, तो देखो यहाँ से एक्स ए कॉमन ले लिए, एक्स ए कॉमन ले चुके और ये चीज आ गई आपकी प्लस पी नॉट बी। अब पी टोटल आपको क्वेश्चन में 600, पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, एक्स ए नहीं पता, पी नॉट बी पता है। तो यहाँ से दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 0.4 निकल के आ गई। ठीक, एक्स की वैल्यू 0.4 निकल के आ गई, तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एक्स बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, वन में से माइनस कर देंगे, मतलब 0.6 आ गई। अब देखो पी ए निकालना है आपको, ठीक है, पी ए कैसे निकालोगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी बोला 450 इंटू 0.4 कर दिया, मतलब 180 मिलीमीटर मर कर आ गया पी ए। पी भी निकाला 700, पी नॉट भी पता है 0.6, तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को वेपर फेस में बताना है, ठीक है, वेपर फेस में क्या हो रहा है। तो वेपर फेस की दोस्तों जब बात करेंगे तो वेपर फेस में क्या करना होगा आप लोगों को, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बात क्या है, या तो आप प्रेशर का मोल फ्रैक्शन प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकालो या मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में निकालो, ये दोनों चीजें एक ही रेस्पेक्ट में रहती है। तो जब मोल फ्रैक्शन आपको लिक्विड ए का निकालना है तो हम क्या करें, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, इसको फॉर्मूले को लगा देते हैं कहाँ से, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ये चीज बोलता है। ठीक, इसकी थ्योरी मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर देख लो। ठीक है, अब तो ये दोस्तों आप लोगों के पास क्या हो गया, 180 डिवाइड बाय 180 प्लस 420 हो गया। ठीक है, तो 180 डिवाइड बाय कितना हो गया टोटल 600, तो कितना निकल के आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.3। अभी निकालना होगा तो वन में से इसको माइनस कर दो। आगे देखते हैं, अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि वेपर प्रेशर आपका प्योर वाटर का 298 केल्विन पर आपको गिवन है। ठीक, कितना गिवन है, इतना गिवन है 23.8 मिलीमीटर मरकरी, 50 ग्राम ऑफ यूरिया आपके पास जो डिजोल्व कर रहे हो आप 850 ग्राम ऑफ वाटर में। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, आपको सबसे पहले तो वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का और रिलेटिव लोअरिंग भी निकालना है कितना चेंज हो रहा है। तो देखो पी वन नॉट गिवन है, मतलब आपको वेपर प्रेशर किसका गिवन है, वाटर का गिवन है, प्योर वाटर का। जो पी नॉट जो भी चीज यूज होती है दोस्तों किसके लिए यूज होती है, प्योर के लिए यूज होता है, नॉट है ना, इसे याद रखो किसके लिए यूज होता है, प्योर के लिए। आप लोग याद रखिए चीज को ना, प्योर प्रेशर वेपर प्रेशर कितना गिवन है 23.8 मिलीमीटर मरकरी गिवन है। वेट कितना गिवन है पानी लेने का, इतना यूरिया कितना लिया, इतना लिया। मॉलिक्यूल वेट आप लोगों ने निकाल लिया, वाटर का कितना होगा H2 का 18 हो जाएगा, यूरिया कितना होता है NH2CONH2, यहाँ से अगर आप लोग निकालोगे तो टोटल मॉलिक्यूल वेट कितना आता है 60 निकल के आता है। अब देखो राल्ड्स लॉ क्या बोलता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में, राल्ड्स लॉ आपका बोलता है पी वन नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी वन नॉट इक्वल टू एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। एन टू क्या होता है यहाँ पे, एन टू होता है आपका सॉल्यूट के मोल्स। ठीक, सॉल्यूट के मोल्स एन टू क्या होता है यहाँ पे, एन टू यूज होता है आप लोगों का सॉल्यूट के लिए। ठीक, और पी वन नॉट माइनस पी वन डिवाइड बाई पी वन, ये क्या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए लिख रहे हैं। तो एन टू की वैल्यू क्या कर दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूल मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूल मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूल मास ऑफ सॉल्यूट। एन वन किसके लिए यूज हो रहा है आपका, एन वन यूज हो रहा है सॉल्वेंट के लिए। ठीक, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या किया, पी वन नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पी वन की वैल्यू निकाल दिए 23.82 की गिवन है। अब ये 50/60 आपको समझ में आ गया होगा, वेट डिवाइडेड मॉलिक्यूल मास, ये भी डब्ल्यू वन वाई, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब सॉल्व क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको आप लोग सॉल्व करते हो तो आंसर क्या निकल के आया आपके पास, जब इसको टोटल को ऐड कर देते हैं, ठीक, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बनी आप कैलकुलेट करने पर। ठीक है, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद पी वन की वैल्यू आती है आपके पास 23.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्या कर सकते हो आप, निकाल सकते हो आसानी से। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट पानी का गिवन है 70 मीटर मरकरी पर, आपको बताना है कितने आपको सुक्रोज ऐड करो 500 ग्राम वाटर में, जिससे कि आपको बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करने लगे। मोल एलिवेशन कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आप लोग दोस्तों देख सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को कितना गिवन है, ठीक है, आपको 100 गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले आप लोगों निकालो, क्योंकि टेम्परेचर आपको गिवन है कितने बॉइल हो रहा है, तो कितने बॉइल हो रहा है 100 पे। ठीक, 100 पर 273 माइनस इतना चेंज किया आपने। ठीक है, तो यहाँ से आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 0.37 केल्विन आ गया। अब देखो मास ऑफ वाटर की बात करें तो कितना है आपका 500 ग्राम, तो यहाँ से क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे। ठीक, तो मोल्स ना निकालने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ मोलर मास ऑफ सुक्रोज भी आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक, सुक्रोज को मोलर मास निकाला कितना है 342 ग्राम आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इंटू इक्व टू डेल्टा टी बी होता है आप लोगों के पास, डेल्टा टी बी के बी इंटू मोलरिटी है ना, मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे आप, सॉल्यूट का मतलब डब्ल्यू टू डिवाइड बाई एम टू, ये हो गया आपके मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का मतलब डब्ल्यू वन में आपने 1000 का डिवाइड कर रखा है, तो इसको इस तरह से लिख लिया। और यहाँ से जो आपकी डब्ल्यू टू की वैल्यू आएगी, मतलब आपको डब्ल्यू टू तो निकालना ही है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा आपके पास, जो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आएगा, जब आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर दोगे पूरी, डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दी, एम टू की वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू वन की वैल्यू पुट कर दी, के वी वैल्यू पुट कर दी, 1000 की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करने पर आया आपके पास 121.67 ग्राम। ठीक है, तो इतने ग्राम आप लोगों को सुक्रोज में ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है,
आप लोगों को बोला गया है आपको मास कैलकुलेट करना है एब्सोर्बिक एसिड का। एब्सोर्बिक एसिड का मतलब विटामिन सी होता है, आप लोग याद कर लीजिए, और फॉर्मूला होता है C6H8O6। इसको डिजोल्व करना है आप लोगों को 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, जिससे कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना लोअर हो जाए, 1.5 डिग्री सेल्सियस लोअर हो जाए। अब जो केएफ की वैल्यू आप लोगों को पता है, तो मास कितना गिवन है, इतना गिवन है, मोलर मास निकाला है इसका कितना है 176, तो आपको रिलेटिव लोअरिंग कितना लोअर हो रहा है, यानी कि 1.5, तो डेल्टा टीएफ की कितनी होगी 1.5। आप लोगों को फॉर्मूला पता है डेल्टा टीएफ क्या होता है आपके पास, ये होता है केएफ इनटू मोलरिटी। मोलरिटी कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब डब्ल्यूटी बाई M2, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब आपके पास हो गया W1 डिवाइड बाई 1000। तो इसको 1000 करोगे तो कैसे लिख सकते हो दोस्तों, ऐसे लिख सकते हो, देखो ये कैपिटल M2 है, ये हो जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाई W1। देखो जो ये लिखा है वही ये लिखा है ना, इसी तरह से यहाँ पे लिख लिया। अब देखो क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को साथ में, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, तो वैल्यू पुट कर, तो देखो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू पुट किए यहाँ पर, तो आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू जो पुट करने पर क्या हो रहा है, ये W2 की वैल्यू आ गई, ठीक, जो फॉर्मूले में था वही पे चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जब वैल्यू सारी पुट कर दोगे आपके पास आंसर क्या निकल के आ गया, 5.08 ग्राम, ठीक। तो ये 5.08 ग्राम आपको एब्सोर्बिक एसिड क्या करना है, ऐड करना है। तो नोट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा आपका स्लाइटली वेरिएशन हो सकता है आंसर में, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन है इसमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है सॉल्यूशन के द्वारा, किससे कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, 1 ग्राम पॉलीमर को कितने मोलर मास में, कितने मोलर मास, 1 ग्राम जो पॉलीमर है इसका मोलर मास कितना है, इतना ग्राम मोलर मास है, ठीक है। उसका आपको डिवेल्व किसमें करना है, 450 मिलीलीटर वाटर में आपको डिवेल्व करना है, कितने टेम्परेचर पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर, तब आप लोगों को निकालना है। अब देखो वॉल्यूम कितने हो गया, आपको लीटर में चेंज कर लिए, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लिए, ठीक, 273 को ऐड करते हो उसमें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया आपके 1 ग्राम में, तो 1 डिवाइड बाय इतना हो गया आपके मोल्स हो गए। क्या बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल्स टू सीआरटी मतलब सी क्या, कंसंट्रेशन, एन डिवाइड बाय वी होता है आपका, ठीक, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोस्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी। अब देखो एन की वैल्यू पुट कर दी, ये आप लोगों ने वी की वैल्यू पुट, जो आप लोगों का वॉल्यूम था वो पुट कर दिया, ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद टेम्परेचर भी पुट कर दिया, ठीक। ये क्योंकि 10^3 से, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इधर देखिए ऊपर, तो ऊपर जो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगी, आर की वैल्यू जो आप लोग मानोगे, ठीक है, वो किसमें मानोगे, पास्कल के हिसाब से मानोगे, तो उसकी यूनिट आर की वैल्यू किस यूनिट किस रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टेम्परेचर, तो यहाँ से पास्कल में आपके पास कितना आ गया, इतना निकल के आ गया। अगर आप लोग एटीएम में मान के चलते तो आप लोग 8.314 से ही काम चल सकता था, आप लोग 0 पॉइंट है ना इससे, तो 8314, ठीक है, आ गया समझ में, क्योंकि आप लोग कितना होता है 1 × 10^4 पास्कल होता है 1 जो भी एटीएम रहता है, ठीक है। तो उसको इसमें चेंज करने के लिए क्या करोगे, तो इसको जब चेंज करोगे दोस्तों तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो वैसे आप कम हो जाएंगे ना, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8.314 × 10^3 हो जाता है ना, तो उसी की वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों की लिखी। इस तरह से दोस्तों आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया, मैं आप लोगों के लिए आगे भी लेक्चर लेके आऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इससे पहले मैं आप लोगों के सॉलिड स्टेट के लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगली वीडियो में दोस्तों एक नई चीज़ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए, थैंक यू।